एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई एम एट मुंबई एयरपोर्ट राइट नाउ और टाइटल से तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा, हम जा रहे हैं कश्मीर। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू ट्राई शूटिंग माई ट्रिप इन बिट्स एंड पीसेस। सो कश्मीर मैं एक्चुअली थर्ड टाइम जा रही हूँ, बट रियलिस्टिकली देखूँ तो मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं बहुत छोटी थी, सो आई डोंट रिमेंबर मच। सेकेंड टाइम मैंने इवेंट इट वॉज 2 years back, तो मैं अपने प्री वेडिंग शूट के लिए गई थी, तो हम 2-3 दिन गए थे। काफ़ी पैक्ड आइटिनरी था तो हम कुछ इतना एंजॉय नहीं कर पाए थे। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कश्मीर। फॉर माई व्यूअर्स, टुडे इज May 2nd, जस्ट फॉर द रेफरेंस। एक हफ्ता हम लोग कश्मीर में रहने वाले हैं। हम लोग फूड वीडियोज शूट करेंगे फॉर माई मेन चैनल, बट फॉर दिस चैनल हम थोड़े ट्रैवल वीडियोज शूट करेंगे, सो दैट इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू कश्मीर दिस कैन बी सुपर हेल्पफुल। सो आई एम एट मुंबई एयरपोर्ट राइट नाउ। 8:30 की मेरी फ्लाइट है फ्रॉम मुंबई टू श्रीनगर डायरेक्ट, देन वील बी गोइंग टू अ हाउस बोट। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट आर हाउस बोट स्टे एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर स्टेड इन अ हाउस बोट बिफोर, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। हाउस बोट क्या होता है एंड वाई इट्स सो स्पेशल, कश्मीर में इतना फेमस क्यों है, एवरीथिंग आई विल टेल यू लेटर। एज ऑफ नाउ जस्ट गोना ईट समथिंग एंड लेट्स रीच श्रीनगर फर्स्ट। Hi guys, we have now reached श्रीनगर और हमारा स्वागत हुआ है बारिश के साथ। अभी हम प्रीपेड टैक्सी लेने वाले हैं। आई एम गोना गिव यू डिटेल्स इन अ वाइल बिकॉज इट्स रेनिंग। आई एम गोना शट माई कैमरा एंड सी यू डायरेक्टली एट द हाउस बोट। हम लोग फाइनली अब कैब में बैठ चुके हैं। हमने एक प्रीपेड टैक्सी ले ली एंड दिस इज हाउ मच वी पेड फॉर इट। एक फिक्स्ड रेट कार्ड होता है अगर आप प्रीपेड टैक्सी लेते हो, सो दिस इज़ हाउ मच वी आर पेइंग। तो अभी हम जा रहे हैं डल लेक, वहाँ पे मुगल शेरेटन का शिकारा आएगा एंड देन वील गो टू आर हाउस बोट। चलो लेट्स गो। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे ठंड इतनी अच्छी है, इतनी गर्मी से आके देखो मैंने जैकेट निकाल लिया बैग से और मैंने पहन लिया, इतनी अच्छी ठंड है। नाउ लेट्स गो टू आर हाउस बोट एंड वील टॉक मोर देयर और कुछ गर्म भी पियेंगे फॉर माई थ्रोट। हाय एवरीवन, फाइनली हम लोग हमारे हाउस बोट पर पहुंच चुके हैं। दिस हाउस बोट इज कॉल्ड द मुगल शेरेटन एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज स्पेक्टेक्युलर। जस्ट लुक एट दिस। अब क्योंकि थोड़ा बारिश पड़ गया है, थोड़ा ग्लूमी हो गया है, थोड़ा ओवरकास्ट हो गया है, बट स्टिल इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। तो हाउस बोट पर आने के लिए आपको, आपने जो भी हाउस बोट बुक किया है वहाँ पे कॉल कीजिए एंड दे विल टेल यू कौन से घाट पे आपको आना है ताकि टैक्सी आपको वहाँ पे ड्रॉप करेगी एंड देन वहाँ से आप शिकारा में अपने हाउस बोट पर आ सकते हो। एंड दिस शिकारा राइड इज कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द हाउस बोट इटसेल्फ। वेलकम टू आर रूम इन द हाउस बोट। ओके, सो दिस इज द रूम। रूम लुक्स सो गुड, इतना रॉयल लग रहा है। एक्चुअली ये हाउस बोट पर 4 ही रूम्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर बुक्ड। वी आर द फर्स्ट वंस टू चेक इन। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द रूम। सो बिफोर आई शो यू द रूम, क्विक स्टफ अबाउट हाउस बोट्स। जो हाउस बोट्स हैं, कहा जाता है कि 1800s से इस्टेब्लिश्ड हैं। These are on the outskirts of the lake. ऐसा माना जाता है कि जब English visitors आते थे तो उनके लिए floating houses या house boats बनाए गए थे। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कश्मीरी land नहीं खरीद पाते थे तो उन्होंने यहाँ पर आके अपना घर बना लिया डल लेक पे। अगर आप यहाँ पे डिजाइन देखेंगे, इट्स लाइक दिस इंट्रिकेट वुड कार्विंग थ्रू आउट द हाउस बोट विच इज सो ब्यूटिफुल, सो आर्टिस्टिक। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू द रूम। पूरा रूम ऐसे वुड का ही है विद कार्विंग्स एंड रेलिंग्स। दिस इज द बेड, दिस इज अ किंग साइज बेड एंड इट लुक्स वेरी रॉयल। फ्लोरिंग पे एक्चुअली वुड की है बट ऊपर से इन्होंने कार्पेट डाला हुआ है। हियर देयर इज अ स्मॉल lounge area or a sofa and this room is pretty big. मतलब मैं ये रूम से काफी इम्प्रेस्ड हूँ।
इसका कॉस्ट क्या है मैं आपको रूम टूर के बाद बताती हूँ। आप छोटी छोटी यहाँ पे डिटेल्स देखिए, जैसे फैन का डिजाइन देखिए, यहाँ बेड के पीछे कश्मीरी डिजाइन की आई डोंट नो शॉल है या क्लोथ है वो देखिए, एंड देन दिस वुड रेलिंग ब्यूटिफुल। हियर वी हैव अ स्मॉल एरिया जहाँ पे चेयर्स और टेबल हैं, इफ यू वांट टू हैव टी और यू वांट टू ईट समथिंग। यहाँ पे ऐसे वासेस रखे हुए हैं विद लॉट्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स ब्रिंगिंग अ पॉप ऑफ कलर। बेड के एकदम ऑपोजिट यहाँ पर टीवी है, वी हैव लाइक अ स्मॉल टीवी यूनिट एंड वी हैव अ फ्रिज हियर। नाउ दिस इज अबाउट द रूम, नाउ लेट्स गो चेक आउट द ड्रेसिंग एरिया एंड वॉशरूम। एंड ट्रस्ट मी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, द वॉशरूम इज रियली गुड, नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो दिस इज द ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे मिरर है, कबर्ड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं। एंड नाउ चेक आउट द वॉशरूम, सो वी हैव अ बाथटब हियर which is honestly huge, and we have a separate shower area, toilet and wash basin. The washroom is quite spacious, and washroom ki bhi agar aap ceiling dekhenge, it's like the wood carving. So this was the room, quite impressed with it. Ye room hame pada 15,000 rupees mein. This is including the shikara rides and including breakfast. Lunch or dinner included nahi hai. I know this is a little expensive, but houseboats are expensive aur hum ekdam peak season mein aaye hain. It's May right now, to ekdam peak season hai. But hume koi acha houseboat experience karna tha aur iske reviews kaafi acche the. So we thought agar ek hi raat reh rahe hain to thoda sa splurge kare. So we are quite impressed with the room. They also have this dining area. It's tiny but it has tables and chota sa aisa area hai. So that's about the room. I'm going to go get freshen up. I really want to relax here and I'm going to see you in a while. Good afternoon guys. Yahan par hum aaye, thoda baithe aur so gaye kyunki kal hamari neend nahi hui thi. So we just woke up. It's 3 p.m. right now. We are going out for lunch. वैसे ये हाउस बोट पे खाने की फैसिलिटी सिर्फ डिनर की है, वो भी बुफे सिस्टम है, एंड पर पर्सन दैट कॉस्ट 1550 रुपीज। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, सो वी हैवन मेड अप आर माइंड कि हम डिनर यहाँ पे करेंगे या नहीं। वैसे इट्स 3 पीएम एंड यू गाइस वोंट बिलीव, आई हैव वोन माय थर्मल्स जैकेट एंड एवरीथिंग बिकॉज इट्स सो कोल्ड राइट नाउ। यहाँ के जो ओनर है वो हमें बता रहे थे कि यूजली मे के टाइम पे इतना ऐसा वेदर नहीं होता है, इट्स 2025 एंड दैट इज़ व्हाट वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग, बट इट्स सुपर कोल्ड राइट नाउ। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज द व्यूज आर सो गुड। बारिश अभी रुक गई है, लेट्स गो एंड हैव लंच। जब हम हमारे प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे ना, तो वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड लजीज, वहाँ पर हमने खाना खाया था, थोड़ा सा ही खाया था बट फूड काफ़ी अच्छा था, तो अभी हम वहीं पर जाएंगे, बाजू में ही है। एंड बिफोर आर शिकारा कम्स एंड वी लीव, आई वॉन्ट टू शो यू दैट स्नो क्लैड माउंटेन ओवर देयर। आई एम गोना ज़ूम इन फॉर यू गाइज टू सी। Can you see that mountain peak? Beautiful. हमारी शिकार आ गई है, लेट्स गो। मैं मास्क भी ले लिया क्योंकि मेरे को नाक पे बहुत ठंड लग रही है। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैं काम कर रहा था, बिकॉज मेरे थोड़ा काम के लिए थोड़ा गुफ अप हो गया था, एंड दिस टाइम आई एम नॉट वर्किंग एनीथिंग, जस्ट एंजॉयिंग दिस शिकारा राइड। हाउ इज द वेदर? वेदर इज अमेजिंग, मतलब हाथ कांप रहे हैं अभी तो। अभी हम हैं बुलेवार्ड रोड पर और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने के लिए, बट द रेस्टोरेंट दैट वी वांट टू गो इज 300 टू 400 मीटर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हम वॉक करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 8 टू 9 मिनट्स का वॉक है। लास्ट टाइम जब नवीन आया तो दल लेक पे हमने 2 घंटे का राउंड लिया था फॉर आर प्री वेडिंग शूट, बट इसका ना वो ऋतिक रोशन जैसा सीन था, जिंदगी न मिलेगी दोबारा में से, इतना खूबसूरत व्यू था, बट ही वॉज जस्ट वॉकिंग। लास्ट टाइम थोड़ा काम की वजह से इशू था एंड आई नेवर न्यू कि वो दिन पे होगा जिस दिन हमारा प्री वेडिंग था, बट ठीक है, इस बार मैं बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर रहा हूँ। लास्ट टाइम की पूरी कसर अभी निकाल रहा हूँ, थैंक गॉड बारिश बंद हो गई है। अभी हम बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना है एंड कैसे पूरा ट्रिप प्लान करना है। So for lunch we have come at this place called Lazeez Restaurant. This is a nicely done up restaurant, fine dining restaurant है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे cuisine में options मिलते हैं। You can try some local Kashmiri, some North Indian food, pizzas, pastas, Chinese, बहुत सारा stuff है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा soup पियेंगे, एक टिक्का preparation खाएंगे और एक Chinese में कुछ खाएंगे। So we are having a soup. This is like a Chinese preparation soup.
जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बॉयल्ड नूडल्स हैं, आई कैन ऑल्सो सी लॉट्स ऑफ गार्लिक एंड स्प्रिंग अनियन. ओह माय गॉड, लुक एट दिस. सो आई कैन सी कैरेट, बॉयल्ड नूडल्स, ब्रोकली, एंड विद द काइंड ऑफ वेदर दिस लुक्स रियली गुड. हॉट एंड सार सूप, बट इट हैज चाइनीज सॉस, लाइक इट हैज सोया सॉस, चिली सॉस. चिली सॉस का मस्त स्वाद आ रहा है. ब्लैक पेपर डाला हुआ है, देन ग्रीन अनियन, द बर्न गार्लिक एंड स्प्रिंग अनियन, यमी. ये मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम भी पिया था जब मैं यहाँ पर आई थी. इसका नाम समथिंग तुलेमान सूप है मेन्यू में. यू मस्ट ट्राई दिस. अगर आपको चाइनीज सूप प्रेपरेशन पसंद है, दिस इज डिफरेंट येट वेरी नाइस. We've also ordered some chicken angara tikka. They said it's spicy. Let's eat and see kitna spicy hai ye. Oh, it's spicy. Thoda main mint chutney de deti hu to tone down the spice, but it's very yummy. It's grilled so nicely. Mereko sirf thoda sa dry lag raha hai, but other than that ye itna acche se grill kiya hua hai. All the spices, marination, so tender chicken. Aap color dekhiye kitna red hai. Super spicy and ekdam ye tender chicken. Look at all that marination, very nicely marinated and grilled. इतनी ठंड में ना स्पाइसी फूड खाने का मजा ही अलग होता है. एक हमने चाइनीज प्रिपरेशन भी ऑर्डर किए. इट्स चिकन एंड हॉट गार्लिक सॉस. लुक्स अ लॉट लाइक चिकन चिली ओनली, लाइक फ्राइड चिकन टॉस्ड इन सॉसेस. परफेक्ट इन टू ऑर्डर. हल्का सा स्वीट है तो जो भी चिकन टिक्का का स्पाइसी नहीं पूरा बैलेंस आउट कर रहे हैं. वेरी नाइस. आई लव द फूड हियर. आई हाईली रिकमेंड अगर आप कभी श्रीनगर आते हो यहाँ पे आके आप फूड खाइए. लव्ड इट. ये कश्मीरी सैफरॉन टी, आलमेट, वॉलनट, किशुनट, हनी, ये यहाँ का फेमस टी. ये बनता है कश्मीरी समोवर में. बीज में कोई नट डालता है, इधर से कहवा बनता है. इसमें पड़ता है दालचीनी, इलायची, केसर, अदरक और कहवा का मसाला. ये यहाँ का पुराना डिश. देखो सर जी, ये कहवा का मसाला है, केसर और बादाम मिक्स इसमें ये ऊपर डालती है. ये ठंडी में ज़्यादा लगता है, इसे गला वाला साफ रहता है, बॉडी के लिए अच्छा है. बच्चे लोग पिएगा वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है. हाय गाइस, हमारा शिकारा राइड अभी चालू हो गया है. वी आर पेइंग 700 रुपीज फॉर दिस शिकारा राइड. और हमने अभी थोड़ा सा कावा भी ले लिया है. आई ऑलरेडी हैड दिस. इट्स सो फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, सो फुल ऑफ फ्लेवर्स. इलायची, केसर, मसाले, सबका स्वाद आ रहा है. एंड द वेदर इज परफेक्ट. चीयर्स. इसमें ना इन्होंने ये बादाम ड्राई फ्रूट डाला है जो क्या कमाल का टेस्ट कर रहा है. और ये मौसम में एकदम परफेक्ट लग रहा है ये. सो ये शिकारा राइड हमें सनसेट के टाइम ही लेना था, बट आज काफ़ी क्लाउडी है. बट स्टिल द व्यूज़ आर स्पेक्टेक्युलर. ये एक डेढ़ घंटे तक चलेगा. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ यहाँ पे आप लेक के बीच में देर इज़ लाइक अ फ्लोटिंग शॉप, फ्लोटिंग छोटी छोटी कैफेज. लाइक आप बुट्टा ले सकते हो, देन यू कैन बाय सम कावा, हॉट चॉकलेट एंड इवन सम बारबेक्यू आइटम्स. सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग. अभी हम फ्लोटिंग मार्केट भी देखने वाले हैं. क्वाइट एक्साइटेड. लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर आई थी तो हमने सुबह के टाइम पे फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट देखा था, बट ये मैंने नहीं देखा है. आई थिंक दिस इज डिफरेंट. सो देखिए आप. फाइनली फ्लोटिंग मार्केट आ चुका है एंड लेट मी शो यू, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये देखिए, ये है फ्लोटिंग मार्केट. ये आपको जो भी शॉप्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली पानी पर हैं, और इनके पीछे जो भी ये शॉप के ओनर्स हैं इनके घर हैं. दे आर बेसिकली स्टेइंग ऑन वाटर. एंड कैन यू बिलीव के यहाँ पे जो भी घर हैं, शॉप्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज. लाइक दे आर स्टेइंग ऑन अ लेक एंड इट्स रजिस्टर्ड. हाउ कूल एंड इंटरेस्टिंग इज दैट. तो यहाँ पर आप ले सकते हो कश्मीरी शॉल्स, यू कैन ऑल्सो बाय सम हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन क्राफ्ट्स. देन यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड जॉइंट्स भी हैं, बेसिकली ऑल द सुविनियर्स. एंड इफ यू वांट टू गिव समथिंग फ्रॉम कश्मीर, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर. आज वेदर की वजह से यहाँ पे थोड़ा खाली खाली है, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, वी आर एबल टू एक्सप्लोर इट सो नाइसली.
And this was our houseboat experience. I hope you guys enjoyed watching it. Next morning we woke up और हमने नाश्ता houseboat में किया. काफी limited options थे like eggs, fruits and like regular stuff. Breakfast tasted really good. फिर हमने checkout किया and then the next day we shot for our main channel. हमने एक food vlog shoot किया जिसके links आपको card section और description box में मिल जाएंगे. If you enjoyed this video, please make sure you hit the like button and subscribe to my channel. Kashmir ke aur bhi videos aane wale hain. So make sure you hit the bell icon and I'm gonna see you next time. Bye!